बिगड़ी संहारित निज कुंज विहार निवास, बिगड़ी संहारित निज कुंज विहार निवास, और न सो कर सके अपने को प्रतिपार। अनंत जन्म के भूल को छिन में डारे खोय, अनंत जन्म के श्री कुंज विहार इन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान नदी जो जगत में परसू पद सुखदान, जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत फुहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐसे आपने पा, भूल छुड़ाओ लाड़ली समझ देओ भरपूर। ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल, मेरी लाज लाड़ली तो ही सवई तिहारे हाथ, बिहारी दास पवन गत तुम रे चरण कमल मम मान। प्रथम प्रणाम श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज नेम गहि कहि सुजसु विहार इन दास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो गुरु गोविंद ही आई, बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाहे। स्वामी जो महाराज बिहारी जो वृंदावन चंद गुरुदेव चरणार, जय जय श्री हरिदास। पूर्व चर्चा आचार्यों का चरित्र, आप सभी श्रद्धालुजन श्रवण कर रहे थे। कल के प्रसंग में कुछ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज द्वारा रचित पदों पर चर्चा हुई, पारस शोधन पर्याय। आज श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज के कृपा पात्र यानी उनके बाद जो पदासीन हुए आचार्य गद्दी पे विराजमान हुए श्री स्वामी भगवान देव जी महाराज, तो श्री स्वामी भगवान देव जी महाराज का चरित्र आप श्रवण करेंगे। बोलो श्री स्वामी भगवान देव जी महाराज की। श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, आपका जन्म संवत 1914 के लगभग मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ नामक स्थान में सनाड ब्राह्मण के कुल में वंश में एक सुंदर परिवार
संपन्न परिवार में हुआ था। आपके पूर्वज टीकमगढ़ राज्य में उच्च पदों पर काम किया करते थे। परिवार के लोग राधावल संप्रदाय के दीक्षित थे। 20 वर्ष की अवस्था में स्वामी श्री ठाकुरदास जी के प्राशिष्य, पूर्व प्रसंग में आप सुन चुके हैं, श्री चतुरदास जी महाराज के बाद में श्री ठाकुरदास जी पदासीन हुए थे, तो श्री ठाकुरदास जी के प्राशिष्य यानी नाती चेला श्री मथुरादास जी, श्री मथुरादास जी से श्री भगवान दास जी ने दीक्षा प्राप्त करी। बोलो बिहारी जू और आप जो है वृंदावन चले आए, व्रत प्रदेश लेके साधना में रत हुए। राधा प्रसाद देव जी के महल प्रवेश के पश्चात स्वामी श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज गादी पर विराज रहे, जिन्होंने रसोपासना तिलक लिखा है। तो राधा प्रसाद जी महाराज के महल प्रवेश के पश्चात आश्वन शुक्ला दशमी संवत 1944 को आपको गद्दी पर प्रतिष्ठित किया गया। आप बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, आपके भजन का चमत्कार भी बहुत लक्षण था। एक बार स्थान में विद्वत प्रकाश न होने के कारण अंधेरा देखकर सुखदेव प्रसाद नाम के एक सेवक ने कहा कि यहां तो दिया भी नहीं है। आप बोले यहां तो दिव्य श्यामा श्याम की मणियों का प्रकाश है। रात्रि को उसे बंगला में सोने की आज्ञा देकर आप चले गए। यानी महाराज श्री ने, श्री भगवान दास जी महाराज ने और सुखदेव प्रसाद के लिए बंगला में सोने की आज्ञा दे दी नहीं। तो रात्रि को जब वह लघुशंका के लिए उठे सुखदेव दास जी, तो उसने देखा कि मंदिर से सैकड़ों मणियों का प्रकाश निकल रहा है। बोलो बिहारी जी, जिससे उसकी आंखें चुंधिया गईं, चकाचौंध में पड़ गईं। प्रातः काल होने पर उसने महाराज से क्षमा मांगी। स्वामी जी साधु सेवा बहुत किया करते थे, बड़ा प्रभाव था चारों तरफ। तो महाराज से क्षमा मांगी, क्षमा याचना करी कि हे महाराज, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान पाया था, लेकिन आज मैं आपके प्रभाव को जान गया। बोलो बिहारी जू। तो साधु सेवा में बहुत बड़ी रुचि थी श्री स्वामी भगवान देव जी महाराज की। एक बार उन्होंने वृंदावन के संतों की झरा पंगत करवाई, पंगत करवाते ही रहते थे। हमने बड़ों से सुना कि 6 महीने तक हमारे कोई अकाल पड़ गया था, गुरुजनों से सुना था, अकाल पड़ गया तो 6 महीने तक पूरे ब्रजमंडल की रसोई बराबर ही चली थी। बोलो बिहारी जू, महाराज ने बराबर रसोई जो है रखी। तो एक बार जो है उन्होंने वृंदावन के संतों की झरा पंगत करवाई, तो कुछ कर्ज हो गया किसी कारण से, तो महाजन रुपया लेने के लिए आया, जिसका कर्ज था रुपया लेने के लिए आया, कहा अभी हमारे पास नहीं। महाराज ने कह दिया भैया आओ, हमारे जब भैया आवे को जब देंगे, लेकिन वो तो अड़ गया, वो माना नहीं। तब आपने जो है बच्चूलाल नाम के सेवक को, एक बच्चूलाल जी थे महाराज के सेवक थे,
उनको आज्ञा दी कि इसे अरई वाली कुटिया में से रुपया ला कर दे दो, क्यों अरई जो है क्रिया स्थान की जो अरई प्रसाद है राधाष्टमी पे जो वितरित होता है बड़ी दिव्यता है, पुरातन रीति अरई का प्रसाद, तो अरई वाली जो है कुटिया से रुपया लाकर दे दो। अब बड़े जो है संस्कृत भाव से बच्चूलाल जी कुटिया में गए कि अब मैं रुपया ला के दे दूं, वहां से वहां रखे हैं कि कहा है कैसे महाराज ने आज्ञा दे दी। तो देखा कि चांदी के रुपयन की बोरी चिनी भई है मां, चांदी के रुपया ही रुपया रखे हैं बोरी नंबर बड़े। बोलो बिहारी जू महाराज, उसने जितनी आवश्यकता थी उतने रुपये ला कर दे दी। महाराज ने जिज्ञासा होने पर बच्चूलाल से कहा अब जाकर देखो कि अब वो बोरी जो तुम देख के आयो कहो वो बोरी सुरक्षित है, कहीं इधर उधर तो ना आएगी कोई बोरी। महाराज ने कही अब वहां जाके देखो तो एक वो बोरी ना है वहां। बोलो यारी जी महाराज, जिसमें जो है गेहूं भरे जाते हैं वो बोरी, उसी तरीके से नोट भी भरे जाते हैं बड़े धनाढ्य लोगों के यहाँ, तो चांदी के रुपया भरे भाई। तो अब देखा तो वहां एको बोरी ना है, तो ये चमत्कार देख के आश्चर्य में जो है बच्चूलाल पड़ गए। इसी प्रकार एक बार अयोध्या के महंत जी राम सनेही दास जी उनके लिए महाराज ने जो है दिव्य वृंदावन के दर्शन कराए। निधुवन कुंज पुराना फाटक, आप लोगों ने नाम सुना होगा निधुवन कुंज पुराना फाटक, वहां श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज के समय से ही वहां स्वामी जी महाराज के साधु विराजते हैं। संवत 1981 में जमुना की बाढ़ से निधुवन कुंज में पानी भर गया, तब आपने साधुओं के साथ ठाकुर जी को भी देवल कुंज में विराजमान किया। बोलो बिहार जी महाराज, यानी यहां टटिया स्थान में और विराजमान किया वहां से जाके। पहले ठाकुर ये जो मोहिनी बिहार जी महाराज हैं ये पहले वहां निधुवन जी में विराजमान थे, निधुवन जी पुराने फाटक में जहां स्वामी जी के संत रहते थे पुराने फाटक परिसर में पुराने, तो इस तरीके से तो विराजमान किया। बाढ़ उतर जाने के उपरांत ठाकुर जी की प्रेरणा से कुंज में ही ठाकुर जी को स्थापित कर दिया और ठाकुर निधुवन बिहारी जी का नाम श्री मोहिनी बिहारी जी रख दिया। बोलो स्वामी जी, तो ये श्री भगवान दास जी ने महाराज ने ये जो है किया। आपने प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन कर स्वामी जी के धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्री निजमत सिद्धांत आदि आदि ग्रंथों का महाराज ने प्रकाशन कराया। कार्तिक शुक्ला पंचमी संवत 1900, इस तरीके से महाराज की बहुत सी कथाएं इस प्रकार हैं। हमने गुरुजनों के मुख से सुना कि अभी अभी तुमको बताया है कि एक बार कुंभ की रसोई महाराज ने करी, तो कुंभ की रसोई करी तो कुंभ में 26 हाथी आए हुए थे,
संतों ने खूब प्रसाद पाया, लड्डू पूरी जलेबी जैसा भी, जय जयकार मन रही। अब हाथी आए हुए, हाथी जो है लताओं को, क्योंकि हाथियों का स्वभाव है, लताओं को पकड़ पकड़ के खींचने लगे। एक हाथी विशेष, और हाथी तो एक तरफ थे, लेकिन एक हाथी जो है पकड़ के खींच रहा। किसी साधु ने कहा कि भैया यहाँ हमारे यहाँ स्वामी जी की संप्रदाय में लताओं की पूजा होती है, ये लता सहस्री स्वरूपा हैं, वृंदावन वासिनी हैं, इनमें दिन से ही रज रूप प्रेम पदार्थ दूर है, रज की उपासना और लताओं की उपासना तो है ही, इसलिए भैया हाथी को थोड़ा दूर रखो। पीलवान बोला, महाराज सब संतों के लिए तो पंगत है, अब ये हाथी बेचारा भूखा है, इसको भी तो कुछ चाहिए। उसने हाथी को नहीं हटाया, नहीं हटाया तो भगवान दास जी महाराज को बताया गया कि महाराज ऐसे के लता को खींच लिया है, डाली को पकड़ के सुंदर लताई, और जो इस तरीके हाथी को हटा नहीं रहा है। महाराज ने कहा भैया हाथी को हटा लो, यहाँ हमारे यहाँ लताओं की ही पूजा है। फिर भी उसने नहीं हटाया, वो भी हटी था कोई पीलवान। बड़ों से सुना हमने कि भगवान देव जी महाराज ने और हाथी के एक थप्पड़ मार दिया, हाथी के थप्पड़ मारा तो हाथी का मुंह ही फिर गया, वो सीधा ही नहीं हुआ। बोलो बिहारी जी, हल्का सा थप्पड़ दिया तो हाथी का मुंह टेढ़ा हो गया और वहां से चिंगरी मार के हट गया। अब कि भाई इनको लिए भी कुछ मिलना चाहिए। कुछ समय के बाद फिर उस हाथी का मुंह सीधा हो गया, ऐसा बड़ों से सुना। फिर वहां रुका नहीं हाथी, लेकिन फिर भाई ये बेचारी ये भी जीव है, इनके लिए भी प्रसाद की। तो महाराज ने कहा जो लड्डू पूरी जलेबी जो भी मिष्ठान है, प्रसाद है बिहारी जी का, जो सब जन पा रहे हैं वो हाथी को लिए पवाओ सबके लिए। तो हाथियों के लिए भी, 26 हाथियों के लिए भी, और लड्डू पूरी जलेबी और सबको पवाई गई। बोलो बिहारी जी। अब विषय उठा दक्षिणा का, पूरे कुंभ की दक्षिणा। तो स्वामी जी महाराज के जो करुआ जी हैं, जो आज भी टडिया स्थान में दर्शन होते हैं, वर्तमान विराजमान महाराज श्री यादव यादव जी महाराज, जो है 4 बजे प्रातः है यानी जागरण के समय पे, और भी जब तब जैसे बिहारी जी की इच्छा से दर्शन होते रहते हैं, उनको दर्शन कराते हैं। तो वो करुआ जी, करुआ जी में स्वामी जी के करुआ जी में से ही भगवान दास जी ने दक्षिणा बांटना शुरू किया, उसमें हाथ डालें और 5 रुपए निकालें, 5 रुपए चांदी के उस समय बहुत ही थे, 5 रुपए निकालें और बराबर पूरे कुंभ के लिए दक्षिणा बांटी। और जब पूरी दक्षिणा पूरे सब निवृत्त हो गए, देखा तो करुआ जी में कुछ नहीं। बोलो स्वामी जी महाराज, ऐसे दिव्य महापुरुष श्री भगवान दास जी महाराज थे। तो इस तरीके की लीला करते कराते, हाँ एक और प्रसंग ध्यान में आया, क्योंकि बड़ों से सुना बहुत दिन पहले, तो कुछ कुछ जो भी स्मरण हो रहा है वो आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो श्री निधवन राजू के पास जो टेढ़े खम्भों वाला जो मंदिर है, इनके जो मालिक थे, जो अधिकारी होंगे उस समय पे, जो भी होंगे मालिक रूप में, उन्होंने कहा महाराज यह मंदिर को हम आपकी भेंट करते हैं। महाराज बोले ठीक है भैया, तेरा मन भाव बन रहा हो तो। महाराज चुप रहे, बहुत गिड़गिड़ाए गिर गए। फिर एक बार उसके मन में क्या, एक बार एक अहंकार पूर्ण, अरे महाराज मेरे जैसा कोई मिला भी नहीं होगा,
इतनी इस तरीके की भेंट में सब कुछ आपके चरणों में न्योछाव करूं, आप संभालिए। महाराज बोले, अरे इसके तो अहंकार आ गया, भेंट करने में अहंकार आ गया। महाराज बोले, ऐसा है तेरे जैसा भी नहीं मिला होगा और तुझे हमारे जैसा भी नहीं मिला होगा, तेरी इस संपत्ति का एक क्रांश भी नहीं चाहिए हमें, चल किसी दूसरे को देना, हमको नहीं चाहिए। उसको ऐसे बोल दिया। बोलो बिहारी जी, कोई संपत्ति को भेंट लें, स्वीकार करें किसी किसी कारण से, ये तो उसका बड़ा सौभाग्य है, लेकिन किसी कारण से देने में अहंकार हो गया कि हमने इस प्रकार की सेवा करी, वो तो विकृत स्वरूप हो गया। सेवा करे कछु नहीं माने, ताई के हरे हाथ बिकाने। बोलो स्वामी जी, इस तरीके के चरित्र श्री महाराज के थे, बहुत से चरित्र थे, लेकिन जो भी स्मरण हुआ है वो आप लोगों की सेवा में जो है किया है। महाराज श्री जो है कार्तिक शुक्ला पंचमी संवत 1987 को आप निकुंज प्रवेश कर गए। बोलो श्री भगवान दास जी महाराज की। आपके उपरांत श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज, बोलो रणछोड़दास जी महाराज की। आपका जन्म मथुरा के चतुर्वेदी परिवार में पंडित मनसाराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी की कुख से विक्रम संवत 1960 में हुआ था। बाल्यावस्था में ही आपने टटिया स्थान के तत्कालीन आचार्य स्वामी भगवान दास जी से दीक्षा ग्रहण की थी। आपको पहलवानी का विशेष शौक था। संत गुरुओं से सुनते चले आ रहे हैं, श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज को पहलवानी का बड़ा शौक था। मथुरा में, मथुरा जन्मभूमि, बोलो बिहारी जी महाराज। खद्दीपुर के राजा के पहलवानों में आपका विशेष स्थान था। किसी बात पर खद्दीपुर को छोड़कर आप मथुरा आ गए थे। पूर्व खद्दीपुर रहते थे लेकिन बाद में मथुरा आई, और यहां मुरलीधर वाली बगीची पर ब्राज के भजन साधना करने लगे। कुछ दिन बाद आप स्थान में श्री स्वामी भगवान दास जी की शरण में आ गए। उन्होंने आपको व्रत वेश देकर रणछोड़दास नाम रख दिया। बोलो श्री रणछोड़दास जी महाराज की। और श्री मोहनी बिहार जी महाराज के पुजारी बना दिया। हमने अधिकांश देखा है कि जो आगे महंत हुए हैं अधिकांश पुजारी या मुखिया। तो इस प्रकार से जो है पुजारी हुए। श्री गुरुदेव जी के निकुंज प्रवेश के पश्चात श्री गुरु जी के निकुंज प्रवेश के पश्चात माघ कृष्णा द्वादशी संवत 1987 को आप गद्दी पे विराजे। आपने भीतर वाले मंदिर का निर्माण कराया जिसमें अब श्री मोहिनी बिहारी जी महाराज विराजते हैं। बोलो मोहिनी बिहारी जी महाराज की। अपने श्री गुरु जी का उत्सव प्रारंभ किया तथा 3 ग्रंथों की रचना की, लेकिन वो ग्रंथ जो रचना की थी वो अप्राप्त है।
श्री रणछोड़दास जी महाराज की रचना अप्राप्त है। एक सुनते चले आए हैं, उन्हीं महाराज की रचना बताते हैं रणछोड़दास जी महाराज की, कि घी बूरे बिन राण रसोई, सिकरन बिना निपूती, ओ हरिजन है के पैसा जोरे, ताके सिर पर जूती। क्योंकि महाराज पहलवान थे तो खान पान का शौक था, पूरे इंद्रजीत थे आप, संग्रह का शौक नहीं था, खान पान था। तो घी बूरे में राण रसोई महाराज कहते थे, रसकन की बड़ी अटपटी रहनी रही है कि घी बूरा नहीं है रसोई में तो वो रसोई राण है, और सिकरन नहीं है, दही नहीं है, वो है निपूती, युमानो निपूती है वो रसोई। तो घी बूरे बिना राण रसोई, सिकरन बिना निपूती, ये बात तो यूं रही। कोई सोचने लगे, अरे महाराज तो बड़े जो है शौकीन खान पान के, संग्रह के नहीं, संग्रह के शौकीन नहीं है हम, हरिजन है के पैसा जोड़े ताके सिर पे जूती। जो वृक्त और हरिदास होके, बिहारी बिहारी का दास होके और पैसाओं का संग्रह करे, उससे सेवा नहीं करे, उसके सिर पर लाख जूती। बोलो बिहारी जी महाराज, ऐसे महाराज की वाणी थी। संग्रह नहीं, संग्रह करिए गोदरी, खाइए मांग मधुकरी, रहिए पूता दुरादुरी, से ये नित प्रति सुंदरी। बिहारी देव जी महाराज संग्रह के नाम पे नहीं। वो बात अलग है कि स्थान चलाने के लिए, के स्थान की व्यवस्था के लिए महापुरुष लोग और जो है संत सेवा के लिए कुछ इस तरीके से संग्रह करें, काय काज न कर कच करे, हरिरत हो तो कर्त न डरे, तो वो व्यवस्था अलग प्रकार से है। बाकी संत महापुरुष अपने लिए तनक मात्र भी संग्रह नहीं करते। बोलो बिहारी जी, आपकी रचना का एक और पद है बड़ा सुंदर, जयत श्री हरिदास रस रास बरदास हित, जयत जय श्री विपुल बिहारी जुगाई, सील को समुद्र श्री सरस अनूप रूप, बाके व्रतधारी देव नर हरि जू ध्याई। श्री रसिक बिहारी के रस में मगन मन, रहे दिन रात यों देव रसिक जू पाइए, श्री ललित किशोरी जय श्री ललित मोहिनी ललित, जय आठो आचार्यन को प्रेम सो लड़ाइए। बोलो स्वामी चतुर्दास जी महाराज की, श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज की जय। तो स्वामी रणछोड़दास जी महाराज की ये जो है कृति है उदाहरण के रूप में, इस तरीके के महाराज के पद थे, लेकिन वो सब करीब करीब अप्राप्त हैं। सहज सेवा परायण भजन परायण रहते भाई, पार्वती एकादशी संवत 1990 में आप निकुंज प्रवेश कर गए। बोलो रणछोड़दास जी महाराज की। श्री स्वामी राधा रमण दास जी, उनके उपरांत श्री स्वामी राधा रमण दास जी पदासीन हुए। आप स्वामी श्री भगवान दास जी के शिष्य के, यानी शिष्य थे कौन? श्री राधा रमण दास जी श्री स्वामी भगवान दास जी के शिष्य थे, रणछोड़दास जी महाराज के गुरु भाई थे। श्री स्वामी रणछोड़दास जी के बाद गद्दी पर विराजे, किंतु आप पर स्थान का कार्यभार और सुचारू रूप से नहीं संभल पाया। सब संतों ने और आपने
स्वामी रणछोड़ दास जी के प्रिय शिष्य श्री राधा चरण दास जी महाराज को संवत 1994 में गद्दी सौंप दी। बोलो स्वामी श्री राधा चरण दास जी महाराज की, आप हमारे श्री परम गुरुदेव गुरुओं के गुरु। बोलो स्वामी श्री राधा चंद्र जी महाराज की। तो व्यवस्था सही न समझने के कारण श्री राधा रमण दास जी महाराज ने अपने आप स्वयं ही और जो है महाराज के लिए गद्दी सौंप दी। तो इस तरीके से श्री राधा रमण दास जी विराजे और वाकई बाद में श्री स्वामी राधा चरण दास जी महाराज गद्दी पे विराजे। तो महाराज का चरित्र, परम गुरुदेव जी का चरित्र आप लोग आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलो स्वामी जी महाराज की। मन मेरे भाजे ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भाजे ले श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, श्री वृंदावन घन नावन कुंज में, श्री वृंदावन केले करत भुज प्यारी प्यारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, बिहारी बिहारी दास लड़ाव, श्री बिहारी बिहारी जीवन प्राण मारी मारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, श्री बिहारी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज वृंदावन चंदू की, गुरुदेव चरणारविंद की जय। आज के आनंद की जय, श्री रमीले बिहारी बिहारी की जय, परम गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री हरिवार, जय जय श्री हरिवार।